हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स एंड आई एम योर कोच दीपाली। सो आज हम बात करेंगे डाइट प्लान के बारे में। ये एक नॉर्थ इंडियन वेज डाइट प्लान है हाउसवाइफ्स के लिए और जो लोग बिजी रहते हैं, जिनके पास अपने लिए टाइम नहीं होता एक्स्ट्रा कुकिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये डाइट प्लान उन लोगों के लिए है। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि एक जनरल डाइट प्लान है जो सबके लिए है। अगर आपको पर्सनल डाइट प्लान चाहिए वो अलग होता है। जिस पर्सनल डाइट प्लान क्या होता है बेसिकली, जिसमें आपकी बॉडी वेट हाइट और आपके बीएमआई को लेकर डाइट प्लान बनाया जाता है कि आपको कितनी कैलोरीज चाहिए और कितनी नहीं चाहिए और क्या आप खा रहे हैं गलत, क्या आप सही खा रहे हैं, ठीक है। ये तो होगी नॉर्मल सी बात। अब हम चालू करते हैं हमारा डाइट प्लान। तो डाइट प्लान में बेसिकली हमें क्या फोकस करना है, जैसे अगर आप बिजी हैं, अगर आप हाउसवाइफ हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, कुछ है, आपके पास टाइम नहीं है, तो मॉर्निंग में जो हाउसवाइफ के लिए सबसे बेस्ट रहता है वो रहता है चीला। तो मॉर्निंग में आप फोकस करिए कि आप किसी न किसी तरीके के चीले खाइए। प्रीमिक्स होते हैं सब लगभग, चाहे आप सूजी का चीला खाते हैं या बेसन का चीला खाते हैं, ओट्स का चीला खाते हैं, ज्वार, रागी, बाजरा, किसी का भी चीला खाते हैं, इसको पहले प्रिपेयर करके रख लीजिए, नॉर्मल तवे पे डालिए। चटनी यूजुअली प्रिपेयर्ड होती है सबके घर में, नहीं है तो संडे को प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि एक दिन तो साउथ इंडियन बनता ही है लगभग सबके घर में। तो विद चटनी चीला, तो चीले से फ़ायदा क्या होता है, आपको प्रोटीन मिलता ही है। चीला जिस चीज़ का होता है यूजुअली उसमें प्रोटीन होता है। नेक्स्ट स्नैक, स्नैक जो आफ्टर ब्रेकफास्ट होता है उसमें आप फोकस करिए कोई भी एक फ्रूट विद 2 or 3 ड्राई फ्रूट्स। देन लंच की बात करें हम, लंच में अगर आप राइस खाते हैं तो राइस सिंपल दाल चावल कर्ड और सलाद हम ये फोकस करेंगे। रोटी खाते हैं अगर रोटी दाल कुछ सब्जी जो आप बना रहे हैं, कोई भी सब्जी जो आप बना रहे हैं, बस कोशिश करिएगा उसमें कुछ प्रोटीन का सोर्स हो। प्रोटीन मतलब जैसे आप पनीर डाल सकते हैं, सोया डाल सकते हैं, चना डाल सकते हैं, मूंग डाल सकते हैं, सलाद दीजिए। उसके बाद शाम को चाय पीते हैं, बहुत अच्छी बात है, चाय पीजिए, चाय पीने से कुछ नहीं होता है, शुगर थोड़ा कम रखिएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं जैगरी डाल दूँ, हनी डाल दूँ, उससे कुछ नहीं होता, शुगर शुगर होता है, ठीक है, शुगर बहुत कम रखिएगा, ट्राई करिए, शुगर जितना कम रखेंगे आपका वेट लॉस उतनी जल्दी होगा, ठीक है। उसके बाद अगर डिनर में भी अगर पॉसिबल है तो खिचड़ी, दलिया, उपमा, इडली, इस टाइप का कुछ लीजिए। ये लाइट रहता है, फर्मेंटेड रहता है, साथ के साथ पेट के लिए अच्छा रहता है और फैट लॉस में भी मदद करता है बहुत ज़्यादा। सो डाइट प्लान आपका इसी तरीके से रहना चाहिए। ये है लॉन्ग टर्म डाइट प्लान। इसमें आप चीट मील्स, जैसे आप संडे को भी कुछ खा रहे हैं तो आप खा सकते हैं, कुछ नहीं होता, धीरे 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 आपका फैट लॉस कम होता जाएगा। पर उसमें यही चीज़ ध्यान रखनी है कि शुगर कम से कम रहे। शुगर मतलब मीठा, मीठा खाने का मन तभी करता है जब हमारी को जो हैबिट हो जाती है हमारी बॉडी को इजी एनर्जी पाने की, तो इसलिए हमारा मीठा खाने का मन करता है, तो वो आपको बंद करना है। आई होप आपको ये डाइट प्लान पसंद आया होगा। और इन केस अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइप का डाइट प्लान चाहिए, जस्ट लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिए कि इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला चाहिए, ग्लूटेन फ्री चाहिए, इस तरीके का आप मुझे मेंशन कर सकते हैं। पर अगेन वो जर्नल होगा। अगर आपको पर्सनल डाइट प्लान चाहिए तो आप मुझे मैसेज करिए, वो भी अवेलेबल है।